साल 2003 में एक फिल्म आई थी इश्क-इश्क, जिसमें शाहिद कपूर और अमृता राव लीड रोल में थे। फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद कुछ और फिल्म में भी इन दोनों की जोड़ी ने धमाल मचाया था। बात की जाए इश्क-इश्क की तो ये एक यूथ बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता बनी थी पायल और शाहिद बने थे राजीव। फिल्म में कॉलेज लाइफ को काफी मजेदार तरीके से दिखाया गया था, जिसमें सबसे अहम थी राजीव और पायल की लव स्टोरी। पायल राजीव को मन ही मन प्यार करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि राजीव तो उसकी फीलिंग से खिलवाड़ करता है। खैर, ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी, इसलिए फिल्म की कहानी ज्यादा हम बताएंगे नहीं, बस एक किस्सा बताएंगे। फिल्म का वो सीन तो याद होगा ही, जब राजीव पायल को किस करने की कोशिश करता है तो पायल तपाक से उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। अमृता ने शेयर की वीडियो। हाल ही में अमृता राव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने एक इंटरव्यू की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो बता रही हैं कि शाहिद को थप्पड़ मारने वाला सीन करना उनके लिए कितना मुश्किल था। ऐसा चाहते थे डायरेक्टर। अमृता ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि वो असल इफेक्ट देने के लिए शाहिद असल में थप्पड़ मारे। बार बार रीटेक अमृता इस सीन को कर नहीं पा रही थी और वो बार बार रीटेक ले रही थी। सभी लोग हुए तंग बार बार रीटेक लेने की वजह से, सेट पर मौजूद सभी लोग तंग आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अमृता वो सीन शूट नहीं कर पा रही थी। शाहिद की माँ थी मौजूद वहाँ, शाहिद की माँ नीलिमा अजीम भी मौजूद थी। तब नीलिमा ने अमृता को कहा, अमृता थप्पड़ मारो उसे थप्पड़। अमृता ने जड़ा थप्पड़, जिसके बाद अमृता ने शाहिद को जोरदार तमाचा जड़ा। इस थप्पड़ के बाद शाहिद असल में बौखला गए थे। सफल हुआ शूट, ये सीन फाइनली पूरी सफलता के साथ शूट किया गया। अमृता कहती है कि मैंने पहली कोई ऐसी मां देखी जो अपने बेटे को थप्पड़ मरवा रही है।